बहुत पुरानी बात है, जब मुझे घोड़ों का शौक़ लगा था तो मुझे एक बंदे ने बोला कि तुमने एडम को देखा है, उसका नाम उस समय एडम नहीं मक्खन था, या जिसको चनेर वाला घोड़ा बोलते थे। मैंने कहा नहीं देखा। बोला तुम बहुत उड़ रहे हो, तुमने एडम तो देखा नहीं, तो तुमने ज़िंदगी में क्या देखा है। तो फिर हम लोग एडम को देखने गए और एडम उस समय चनेर गाँव में था और वो बैठा था एक बहुत बड़े कंपाउंड में, घोड़ा नीचे बैठा था आराम से। जब उसके मालिकों को हमने कहा कि भैया इसको उठा दो प्लीज़, तो वो बोले यार बैठा है बैठा रहने दो, देख ऐसे ही देख लो क्या होता है। तब हमें भी कोई नहीं जानता था और उस समय का उसका एक छोटा सा वीडियो भी मैंने उतारा था, वो भी कहीं यूट्यूब पर पड़ा है मेरे पुराने किसी चैनल पर। तो आज इस घोड़ी को देख के मुझे दोबारा से वो एडम का जो सीन है मेरे आँखों के सामने आ गया। और वो घोड़ा ऐसे बैठा था जैसे कोई नीले रंग के पत्थर का कोई बुत पड़ा हो। अब ये घोड़ी क्यों बैठी है, हो सकता है इसको आने वाले कुछ घंटों में कॉलिक भी हो सकता है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। मगर वो सीन जो है एडम को बैठे हुए देखने का, अगर मुझे मिला तो मैं दोबारा से शेयर उसको ज़रूर करूँगा। और इस घोड़ी को देख के आज मुझे वो पुरानी याद ताज़ा हो गई। वाकई जिसने एडम नहीं देखा तो समझ लो उसने कुछ नहीं देखा। ज़िंदगी के जो कुछ परफेक्ट घोड़े हैं जिनको मैं हमेशा एडमायर करता था और बहुत प्यार करता था, उनमें से पहला घोड़ा था एडम। फिर मुझे जो घोड़ा सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था अवतार। और अब जो घोड़ा मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा है वो है देव। पसंद अपनी अपनी है, नो ऑफेंसेस, कोई माइंड मत करना। आपको अपना अधिकार है अपनी पसंद रखने का, मुझे अपना अधिकार है अपनी पसंद के बारे में सोचने का। सो वाकई जिसने एडम नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जैसे कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, उसी तरह से मारवाड़ी घोड़े के हॉर्स लवर, अगर अपने आप को कुछ, आपके पास कितनी भी जानकारी हो सकती है, कितने भी घोड़े आपने देखे हो सकते हैं, मगर जिसने एडम नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा जी। एडम वो घोड़ा है जिसकी वजह से मज्जू के लाइन भी कई गुना ज़्यादा प्रमोट हुई है, क्योंकि वो घोड़ा, उसकी फ़ोटोग्राफी भी बड़े लेवल पे हुई, उसके फ़ैन भी बहुत बड़े थे, राजस्थान के ब्रीडर स्पेशली उसको देखने आते थे और पंजाब के कई मुख्यमंत्री उसको देखने जाते थे, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे आम पब्लिक उस घोड़े की फ़ैन थी। और मालिकों की प्रमोशन से केवल और केवल एक घोड़ा प्रमोट नहीं हो सकता, उसके लिए घोड़े में खुद में बहुत बड़ा दम चाहिए। ऐसा नहीं है कि मालिक बार बार फ़ोटोग्राफी करा रहे हैं तो घोड़ा फेमस हो रहा है, ऐसे तो कोई भी घोड़ा पैसे के ज़ोर पे फेमस हो जाता, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। घोड़े को फेमस होने में यूट्यूब से ज़्यादा, सब चीज़ों से ज़्यादा घोड़े का खुद का एटीट्यूड, खुद की उसकी जो पर्सनैलिटी है वो मैटर करती है। घोड़े यूट्यूबर्स को, फ़ोटोग्राफ़र्स को बनाते हैं, ना कि फ़ोटोग्राफ़र्स घोड़ों को बनाते हैं।